नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने पटवारी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप थोड़ा देख लें भाइयों, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। कितने फॉर्म भराए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट वालों ने अप्लाई किया है, पटवारी कौन कौन बन रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एम टेक, बी ई, बी एस सी, बी ए, बी कॉम, बी सी ए, सभी पटवारी बनना चाहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो बी वाले होते हैं दोस्तों, उन्होंने भी अप्लाई किया है। बड़े बड़े जो डिग्री होती हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो भी अब पटवारी की ही नौकरी मिल जाए तो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपडेट आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2023 दोस्तों, और यहाँ पर 6,755 पदों के लिए 12,80,000 ने किए हैं आवेदन। यहाँ पर काउंट कीजिए भाइयों, 6,755 पदों के लिए 12,80,000 ने किए हैं आवेदन। आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी के हैं। पटवारी बनने 1,000 पीएचडी, 85,000 बीटेक डिग्री धारियों ने किया है अप्लाई। आप देख सकते हैं पीएचडी और बीटेक वाले भी पटवारी बनने की सोच रहे हैं। अब यहां पर आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश टुडे संवाददाता, आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी एवं ग्रुप दो सब ग्रुप चार के 9,073 पदों पर भर्ती के लिए करीब 12,80,000 आवेदन हुए हैं। पटवारी बनने के लिए डिग्रीधारियों की कतार लग गई है। पटवारी की कुर्सी पर काबिज होने के लिए पीएचडी होल्डर तक मैदान में कूद पड़े हैं। यहां तक बीटेक और एमबीए की डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों ने आवेदन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 साल बाद चयन मंडल पटवारी की भर्ती करने जा रहा है। चयन मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक 6,755 पटवारी पदों के लिए 12,80,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। आवेदनों में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोचक बात यह रही है कि करीब 1,000 डॉक्टरेट उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। जो डॉक्टर की डिग्री करे हुए हैं, अब वो सोच रहे हैं यार पटवारी ही बन जाए तो ठीक है। और हालांकि चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा की पात्रता स्नातक उत्तीर्ण मांगी है, इसलिए करीब 85,000 बीटेक डिग्रीधारियों ने भी आवेदन किए हैं, जबकि 1,00,000 एमबीए मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों एमबीए वाले 85,000 हैं जो पटवारी बनना चाहते हैं, जबकि 1,00,000 एमबीए डिग्री धारी ने पटवारी बनने के लिए परीक्षा देने के लिए अप्लाई किया है। परीक्षा में मेरिट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर दी। यहां पर आपको काउंट कराता हूं, पीएचडी होल्डर हैं 1,000, बीटेक हैं 85,000, एमबीए हैं दोस्तों 1,00,000, और पीजी हैं आप यहां पर देख सकते हैं 1,80,000, यूजी हैं 9,00,000 और इंजीनियर डिप्लोमा 5,500। ए सब 12,80,000 के समथिंग हो जाते हैं टोटल इनको करते हैं। और इसके चलते कोचिंग संस्थानों में बैच फुल हो गए हैं। आलम यह है कि अब भोपाल के अलावा बड़े शहरों की गली कूचों में परीक्षा की तैयारियां कराई जा रही हैं। जगह जगह पटवारी चयन के बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा धूम इंदौर में मची हुई है। इसमें उपसमूह चार सहायक अग्निशमन दोस्तों भर्ती ग्रुप दो सब ग्रुप चार के तहत निकाली गई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा 15 मार्च से दो पालियों में ऑनलाइन होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर और 12 बजे तक चलेगी, दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद में 200 अंक की होगी लिखित परीक्षा पटवारी की, चयन मंडल की लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें सामान प्रबंधन को भी पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। 100 अंक के पेपर में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे 100 अंक के पेपर में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तर्क योग्यता व सामान्य प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे।
अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं विकलांग भर्ती और भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आपने पटवारी का फॉर्म भरा है तो कौन पटवारी बनेगा दोस्तों? डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा दोस्तों, या जो पटवारी की तैयारी कर रहा है वही पटवारी बनेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं MBA, BSc, MSc, MCOM, BTech और जो भी हैं सभी ने पटवारी के लिए आवेदन कर दिए हैं और कोचिंग संस्थान शुरू हो चुकी हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, बैनर लग चुके हैं, लेकिन भाइयों पद बहुत कम है। पद को लेकर थोड़ा लग रहा है कि कौन बनेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं बेरोजगारी के बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। वैसे एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशन, अतिथि शिक्षकों से संबंधित वीडियो, छोटी छोटी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो जो भी भाई नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो नई शिक्षा नीति शुरू होने वाली है इसको लेकर एक अपडेट है, वो मैं आपको इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।